हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूटेक। होप ऑल ऑफ यू विल बी वेल एंड गुड। फ्रेंड्स, आज इंजीनियरिंग जियोलॉजी की फिफ्थ सीरीज के डिस्कशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस सीरीज में 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गंवाए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेट्रोलॉजी कन्फाइंस इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर कंपोजिशंस, फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड नन ऑफ द एबव। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ रॉक्स। So the answer of this question will goes to option number 2. The petrology confines itself to the study of the formation of various groups of rocks and their composition. Next question देखते हैं friends. Specific gravity of quartz, जिसका formula होता है SiO2, lies in between. Friends, इस question में quartz की specific gravity पूछा गया है कि उसका range क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या इसकी रेंज होती है। फ्रेंड्स, इस टेबल में मैंने कई 6 टाइप्स के मिनरल्स दे रखे हैं और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यहां से आप देख सकते हैं इस टेबल से क्वार्ट्ज, जिसका फार्मूला होता है SiO2, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.62-2.64 होती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल गोज टू ऑप्शन नंबर 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज लाइज इन बिटवीन 2.62-2.64। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन मिनरल्स इन जियोलॉजिकल लेबोरेटरी। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जियोलॉजिकल लेबोरेटरी में जब हम स्टोन मिनरल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट के नाम दे रखे हैं। नंबर 1, वॉल्कर्स स्टील यार्ड बैलेंस, द बीम बैलेंस, जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस और ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख ले रहे हैं, द वॉल्कर्स स्टील यार्ड बैलेंस का फिगर 1 पर दिया हुआ है, द बीम बैलेंस का 2 पे दिया हुआ है और जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस ऑप्शन 3 पर दिया हुआ है इसका फिगर। तो यहाँ से फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में यूज होते हैं जियोलॉजिकल लेबोरेटरी में। जब हम किसी स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल गोज टू ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। जियोमॉर्फोलॉजी कन्फाइंस इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट फेट ऑफ वेरियस सर्फेस फीचर्स ऑफ द अर्थ, द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर कंपोजिशंस। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सर्फेस फीचर्स, देयर प्रोसेसेस, फॉर्मेशंस एंड सेडिमेंट्स एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। So the answer of this question will goes to option number 1. Geomorphology confines itself to the study of the features of the surface of the earth. The branch of geology dealing with ancient life is called paleontology, stratigraphy, lithology or none of the above. Explanation देखते हैं friends कि paleontology क्या होती है, stratigraphy क्या होती है और lithology क्या होती है। इन तीनों को पढ़ने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से पता कर सकते हैं। द पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ फ्रॉम डायनासोर्स टू प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, मैमल्स, फिश, इंसेक्ट, फंजी एंड माइक्रोब्स। स्ट्रेटिग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, देयर हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन। इट डील्स विद द कोरिलेशन ऑफ रॉक सिस्टम विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिकल स्केल ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। वॉट इज द लिथोलॉजी? लिथोलॉजी इज जनरली कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गोज टू ऑप्शन नंबर 1। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द एंशियंट लाइफ इज कॉल्ड पेलेंटोलॉजी।
Basalt is a dark colored igneous rocks which is extensively used as a road metal. Its crushing strength lies between. Friends, आपको ये बताना है कि basalt जो एक गाढ़े कलर का igneous rocks का एक टाइप होता है और जो रोड में सबसे ज्यादा यूज होता है तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स. बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक्स व्हिच हैज लेस सिलिका कंटेंट, डार्क इन कलर एंड कंपैरेटिवली रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. फ्रेंड्स, बेसाल्ट में सिलिका कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, इसका गाढ़ा कलर होता है और कंपैरेटिवली इसमें आयरन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है. The crushing strength of this type of stone varies from 1500 to 1900 kg per centimeter square with the specific gravity almost 3. It is very hard, tough and dense in structure and hence difficult to work with. Basalt is used in the formation, pavements and door sills etc. This type of stone is available in Maharashtra, Bengal and Madhya Pradesh. So the answer of this question goes to option number 1. बेसाल्ट का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है फ्रेंड्स वो 1000 से 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में आता है. सैंड स्टोन्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स विथ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. देयर क्रशिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम कैल्सेरियस स्टोन टू क्वार्टाइज वेरी फ्रॉम. फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि सैंड स्टोन जिसमें कैल्सेरियस से क्वार्टाइज तक की रेंज आती है उसका क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स. Sandstone is a type of sedimentary rocks. It permits easy drying. The crushing strength of sandstone is low as compared to granite and varies from 650 to 1400 kg per centimeter square. It is used for building works, ornamental works, facing works, flooring works, etc. It is found in Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Rajasthan, Punjab and Gujarat within India. So the answer of this question, friends, goes to option number 2. The crushing strength of the sand stone found between 600 to 1500 kg per centimeter square. The maximum angle of slope of a bed or a layer of rock with the horizontal is known as dip, strike, bedding or none of the above. So explanation dekhte hain friends yahan pe. Friends, ye ek rock ka type diya gaya hai. जो ये रॉक स्ट्रेटा है और एक ये हॉरिजॉन्टल लेयर ड्रॉ की गई है. तो हॉरिजॉन्टल लेयर से जो रॉक का एंगल होता है उसी को डिप एंगल बोलते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गोज टू ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डिप एंगल. ए सिंकलाइन इज ए फोल्ड इन विच द स्ट्रेटा बिकम्स कनकेव अपवर्ड. द यंगर रॉक्स यूजुअली ऑक्युपाइज इट्स पोजिशन इन द इंटीरियर्स. ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंक लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं जिसमें से दो पॉइंट्स दिए गए हैं. इसमें से दोनों सही है या एक सही है या नन ऑफ द अबव सही है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं. फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फिगर्स ये पोर्शन आपका अगर रॉक का कनकेव अपवर्ड की तरफ होता है तो ये सिंक लाइन होता है. कनकेव अपवर्ड मीन्स ये नीचे की तरफ अगर धंसता है तो सिंक लाइन कहते हैं और अगर ऊपर की तरफ उभार देता है तो उसको एंटी क्लाइन कहते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंक लाइन के बारे में क्या क्या सही है. ए सिंक लाइन इज ए फोल्ड इन विच द स्ट्रेटा बिकम्स कनकेव अपवर्ड, सही. द यंगर रॉक्स यूजुअली ऑक्युपाई इट्स पोजिशन इन द इंटीरियर. अगर नई कोई रॉक बनेगी तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे बनेगी जो इंटीरियर में ही होगी इसकी. तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. Which of the following is true for Himalayas mountain? They are tectonic mountains. They are complex in their characters, showing all sorts of structural complications in their formation. They owe their origin to organic forces. All of the above. The explanation of this question says that the geology of the Himalayas mountain is formed by plate tectonic forces and is sculpted by weathering and erosion. The Himalaya, which stretches over 2400 km long, are the result of the continental thrust of two tectonic plates, that is Indian plates and Eurasian plates. Friends, Indian plate or Eurasian plate ke continental thrust ki wajah se Himalaya mountain ka
कंस्ट्रक्शन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है. द हिमालय माउंटेन्स आर कॉम्प्लेक्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स शोइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशन इन देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ड्यू टू ऑर्गेनिक फोर्सेज. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.